नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून 2023 के आखिरी हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज पार्टनर्ड विद NDDB टू एस्टेब्लिश अ मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट? किस राज्य ने एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को स्थापित करने के लिए NDDB के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 जून। नेक्स्ट वन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स CCIWE? ब्रिक्स CCIWE के प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है रूबी सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चाइना हैज साइंड अ डील with which country to establish a nuclear power plant? China ने एक nuclear power plant को स्थापित करने के लिए किस देश के साथ डील की? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। Now next question is, who has authored the book titled India's Finance Minister from Independence to Emergency 1947 to 1977? India's Finance Minister from Independence to Emergency 1947 to 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है अशोक कुमार भट्टाचार्य। Now next question is, the Ocean of Rings of Yoga, an event that recently gained attention, is an initiative of which ministry? Ocean Ring of Yoga, एक event जिसने हाल ही में ध्यान आकर्षित किया, वह किस मंत्रालय की मुहिम है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज्ड द बितास्ता महोत्सव इन विच इंडियन सिटी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भारत के किस शहर में वितासा महोत्सव को आयोजित किया? तो इसका आंसर है श्रीनगर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट हैज द खारची पूजा फेस्टिवल स्टार्टेड? किस राज्य में खर्ची पूजा फेस्टिवल शुरू हुआ? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। नाउ नेक्स्ट वन इज, हु ऑथर द बुक टाइटल्ड द गीता फॉर चिल्ड्रन? द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है रूपा पाई। Next is, who has been appointed as the director of the USA East Coast chapter? USA East Coast chapter के director के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है नूतन रुंगता। Now next one is, when is World MSME Day observed? World MSME Day
कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 27 जून। नाउ नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ DBS बैंक इंडिया। DBS बैंक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है रजत वर्मा। नाउ नेक्स्ट वन इज विच बैंक हैज रिसीव्ड RBI's अप्रूवल टू अपॉइंट AP होता एज द पार्ट टाइम चेयरमैन। किस बैंक को RBI से AP होता को पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त करने के लिए मंजूरी मिली? तो इसका आंसर है फेडरल बैंक। नाउ नेक्स्ट वन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द न्यू दिल्ली बुक क्लब। द न्यू दिल्ली बुक क्लब नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है राधिका स्वरूप। नाउ नेक्स्ट वन इज विच इंटरनेशनल सिटी रिसेंटली डिक्लेयर्ड दिवाली एज अ स्कूल हॉलीडे। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय शहर ने दिवाली को स्कूल हॉलीडे के रूप में डिक्लेयर किया? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। नाउ नेक्स्ट वन इज T.S. सिंह दियो has been appointed as the Deputy Chief Minister of which state? T.S. सिंह दियो को किस राज्य के Deputy Chief Minister के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। Now next one is In which state has Anurag Verma been appointed as the new Chief Secretary? किस राज्य में अनुराग वर्मा को नए Chief Secretary के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है पंजाब। Now next question is On which date is National Statistics Day celebrated? किस दिन नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया? तो इसका आंसर है 29 जून। तो दोस्तों जून 2023 के आखिरी हफ्ते के करंट अफेयर्स में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा।